सो क्या है ना, CAT 23 एस्पिरेंट्स के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो IIM का क्वेश्चन मतलब इजी रहता है, मतलब क्या है ना, CAT 23 का क्वेश्चन इजी रहता है, मॉडरेट टू इजी, डिफिकल्ट, ये सब जो चीज़ है ना, ये पूरा क्या है ना, आपको रिलेटिव चीज़ है। मतलब क्या है ना, जो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो हो सकता है किसी के पास डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है किसी के पास वो मॉडरेट है, हो सकता है किसी के पास वो इजी है। क्योंकि क्या होता है ना, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, उसका ऊपर वो बहुत सारा डिपेंड करता है। तो उसमें मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब प्रिपरेशन करो बढ़िया से। वन सेकंड, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज वार्निंग सिचुएशन ऑफ CAT 23 एस्पिरेंट्स। जब पुराना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो आप प्रैक्टिस करने लगोगे, उस टाइम पीछे मुड़ के आंसर मत देखो, तो उसमें क्या होगा ना, बहुत दिक्कत होते रहता है, वो एक तो बहुत बैड थिंग है। क्योंकि हम लोगों का बहुत हैबिट है, DILR का जब क्वेश्चन नहीं होता है, हम लोग क्या करते, पीछे मुड़ के देख लेते हैं। तो दैट इज द मोस्ट वाइटल थिंग, दैट इसमें क्या होगा ना, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो IQ का जो आपको टेस्ट जो है, जो खुद के खुद IQ टेस्ट नहीं कर पाओगे, तो ऐसा होता रहता है। तो इसमें क्या होगा ना, आप बहुत पीछे हटोगे, उसमें आपको बहुत सारा दिक्कत होता रहेगा। उसके बाद आपको मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो चीज़, वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, आप उतना पीछे हट के रहोगे तो क्या होगा, एकदम पीछे 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 होते होते बैक साइड चला जाएगा, कभी आपको कैट में आपको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है इसका पीछे, पढ़ाई के पीछे। पढ़ाई मतलब वैसा स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी, मतलब कहना जो मेरा इतना BRC पढ़ना है, इतना DLR पढ़ना है, इतना क्वांट करना है, तो क्वांट में आपको डेली वेराइटीज जो क्वेश्चन है उसको डेली आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एंड मई महीने में जितना सारा सिलेबस है उसको खत्म करो, ओके, तो भी जाकर फाइनली आप कन्वर्ट होंगे, मतलब कहना कैट में क्वालिफाई हो पाओगे IIM के लिए। तो इसमें सिलेबस को खत्म करो मई महीना का अंदर में, एंड उसके बाद आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको पूरा आपके पूरा मॉक टेस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा देना है, मॉक का एनालिसिस करना है, मॉक को रिवीजन करना है, डिफरेंट टफ क्वेश्चन को करना है। तो इजी क्वेश्चन मतलब क्या है, मतलब पढ़ लिख के समझ के इजी, इजी मतलब इजी नहीं है, 2 + 2 = 4 ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, समझे ना, क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब क्या ना, कैट में नहीं आएगा उतना इजी क्वेश्चन। इजी मतलब क्या है, आप पढ़ोगे, 4-5 महीना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसका पीछे लगोगे, मॉक दोगे, मॉक में नहीं होगा, वहां पर जाके होगा, दैट इज इजी, ओके। तो इसमें क्या होगा ना, इजी का मतलब है वहां पर बैठ के आप 3-4 मिनट में, 2-3 मिनट में एक एक को क्वेश्चन करके आ पाओगे, तभी जाके आपको फाइनली होगा, मतलब 40 मिनट में 13 को क्वेश्चन, 13 × 3 × 40। अगर आप टेक्निक मालूम है आपको, क्वांट का टेक्निक, DLR का टेक्निक, BRC का टेक्निक, पैराजाम्बल का टेक्निक, ऑड मैन आउट का टेक्निक, तो आपको क्या होगा ना, 2 मिनट में 1 मिनट में आपको कुछ कुछ कन्वर्ट होगा, तभी जाके कोई क्वेश्चन का पीछे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपको सोल्यूशन होगा। सो ऐसे ही है, एंड उसके बाद मैं आपको जो बोल रहा हूँ, एक चीज़ जो बार बार मैं कई बार बहुत बता चुका हूँ सबको, पीछे लगो हर चीज़ का, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा एकदम। उसके बाद क्या होगा ना, आज का डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है, पहले 2 लाख से कम एग्जाम देता था, अभी 2 लाख से ज़्यादा एग्जाम दे रहा है, कुछ आया है, मैं सीट बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब बहुत बड़ा है, जितना एग्जाम देता है उससे बहुत कम, 0.05% सीट को इंक्रीज हो चुका है, मतलब क्या ना, IIM बोधगया में कुछ इंक्रीज हुआ है अभी का फिलहाल, DBA में एंड आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, एज वेल एज IIM जम्मू में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, मतलब बहुत ही कम है, बहुत लेस है। उसके बाद रिजर्वेशन कैंडिडेट है, जो भी है रिजर्वेशन कैंडिडेट है जो है, लेकिन आपका सीट इज़ वेरी लेस, बट योर कैंडिडेट इज़ वेरी हाई, उसका भी आपको बहुत सारा टफेस्ट मतलब जो सिचुएशन वो आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो क्या करने से आपको ये चीज़ रिमूव होगा, एक ही चीज़ है, मैं बार बोल रहा हूँ बार बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, VRC प्रैक्टिस, DLR प्रैक्टिस एंड क्वांट प्रैक्टिस विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा मत करो जो मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाए, टाइम आपका सामने रहेगा नहीं, टाइम बिताते जाएगा, ओके। तो ऐसे ही है, तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम देते रहो, उसको ट्विस्ट जो क्वेश्चन है उसको करो, तब जाकर फाइनली आप कन्वर्ट होंगे। वन सेकंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।